नमस्कार, मेरा नाम नीतू सिंह है और मैं आप सभी का बाबा के मेडिकल क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है बर्न पेशेंट मैनेजमेंट। तो बर्न को समझने के लिए सबसे पहले हम रूल ऑफ नाइन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि रूल ऑफ नाइन के हिसाब से कि हम पेशेंट को कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जो रूल ऑफ नाइन का है तो एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर, मतलब इंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी कि जो हमारा सीन चेस्ट है तो चेस्ट हमारा आगे से 18% और पीछे से 18%, तो मिला के थोड़ा 36% हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा होता है, हम देखने बाद में कि हमारा चेस्ट कितने परसेंट है, हमारा एब्डोमिनल कितने परसेंट है, हमारा हैंड कितने परसेंट है, हमारा थाई कितने परसेंट है, उस कैटेगरी को देख करके हम बताते हैं कि पेशेंट की जो बर्न इंजरी है वो मॉडरेट है या सीवियर है या फर्स्ट स्टेज में आती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि बर्न होता क्या है। बर्न वो होता है जब किसी हीट की एनर्जी जो हमारी बॉडी के टिश्यू से टकराती है, उससे जो हमारे टिश्यूज में जो इंजरी होती है उसको हम कहते हैं बर्न इंजरी। जैसे कोई व्यक्ति हमारा किसी भी तरह से, या थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, रेडिएशन, इनहेलेशन से जो हीट सोर्सेज से जो टकराती है उसकी बॉडी, उससे जो इंजरी होती है उसको हम कहते हैं बर्न इंजरी। आइए हम जानते हैं कि थर्मल बर्न क्या होता है। थर्मल बर्न होता है कि जो हमारे हीट से या आग से जो हमारे पेशेंट की इंजरी होती है उसको हम कहते हैं थर्मल बर्न। जैसे ये ऐसे तो होती नहीं है, जब हमारा कोई व्यक्ति उसके आग के समीप पे जाएगा, उससे जो हमारी एनर्जी, जो उसकी हीट की एनर्जी है जो हमारी बॉडी से टकराएगी, उससे जो एनर्जी होती है वो जो, उससे जो बर्निंग होती है, जलन होती है या जो टिश्यू डैमेज होते हैं, वो होता है हमारा थर्मल बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न क्या होता है? इलेक्ट्रिक बर्न होता है जैसे कि हमने कोई गलत वायर छू लिया, उससे जो हमें करंट लगता है वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक बर्न। या हमने कोई हाई टेंशन तार जा रहा है उसके हम संपर्क में आ गए, या किसी शॉर्ट सर्किट के संपर्क में आ गए, उससे जो एनर्जी इंजरी होती है वो होती है इलेक्ट्रिक इंजरी। उसके बाद आती है हमारा केमिकल इंजरी। केमिकल में क्या आता है, जैसे कि आपके कोई हमारा लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे सिर्फ केमिकल का ही काम होता है, वहाँ पे जो हमारा पेशेंट, जो हमारा स्टाफ है या व्यक्ति है, जो भी उसके केमिकल के उसमें संपर्क में आता है, उससे जो इंजरी होती है उसको कहते हैं केमिकल बर्न। जैसे कि एसिड हुआ, सल्फर या नाइट्रेट हुआ, उससे जो हम जलते हैं उसको कहते हैं हम केमिकल बर्न। दूसरा आता है हमारा रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न कहाँ पे होता है, जैसे कि हमारा MRI फ्लोर हुआ, हमारा एक्सरे फ्लोर हुआ, या हमारा रेडिएशन, किसी पेशेंट की रेडिएशन चल रही है, उससे जो हमारी जो हीटेज जो ड्रेसेस निकलती है उससे जो बर्न होता है वो हमारा होता है रेडिएशन बर्न। एक होता है इनहेलेशन बर्न। इनहेलेशन बर्न बहुत कम होता है, जैसे कि हम कहीं धुएं में फंस गए हैं, या हमने कोई आपकी जो आपके ड्रग होते हैं या जो नशा होता है जो हम इनहेल करते हैं उसके थ्रू जो हमारे लंग्स में इंजरी होती है उसको कहते हैं इनहेलेशन बर्न। ये तो हो गया हमारे कितने प्रकार के बर्न होते हैं। अब आइए पता करते हैं कि उसकी क्या क्या स्टेजेस होती है। बर्न को हमने चार स्टेजेस में रखा हुआ है। फर्स्ट स्टेज में होता है कि जो फर्स्ट जो हल्का सा ऊपरी लेयर होती है वो हल्के से डैमेज, उसके लिए कुछ करना नहीं होता, वो आराम से घर में एक दो दिन के अंदर नॉर्मल हो जाती है। उसमें हमें क्या दिखता है, रेडनेस दिखती है, स्वेलिंग दिखता है और हल्का सा लोकलाइज पेन होता है, उसको तो हमने रख दिया फर्स्ट ग्रेड में। सेकेंड ग्रेड के जो बर्न होते हैं उसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, पानी निकलने लगता है और डर्मिस लेयर डैमेज हो जाती है। थर्ड डिग्री में क्या होता है, थर्ड डिग्री में हमारे डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, ये तीनों लेयर इन्वॉल्व होती है। डर्मिस लेयर तो पूरी डैमेज हो जाती है, इसमें हाइपोक्लेमिक शॉक भी देखने को मिलता है। जब थर्ड डिग्री में पेशेंट हमारा एंटर कर गया तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन भी बहुत बढ़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी इनबैलेंस होगा और पेशेंट शॉक में भी चला जाता है। थर्ड स्टेज के तो ये हो गया। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में हमारा पेशेंट को होता है कि फोर्थ स्टेज तब हम बोलेंगे जब हमारा पेशेंट 90% से ऊपर बर्न हुआ, तो हमारा फोर्थ स्टेज में हो जाता है, यानी कि उसकी बोन भी इन्वॉल्व हो गई, उसकी टेंडन भी इन्वॉल्व हो गई, उसकी मसल्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं। बोन कहीं कहीं पे वाइट, कहीं कहीं पे ब्लैक दिखती हैं हमको। तो इस फोर्थ स्टेज में पेशेंट को पेन हो भी सकता है और पेन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में देखने को मिलता है कि अगर वेन हमारी नॉर्मल काम कर रही है तो हमें पेशेंट को दर्द होता है, अगर वेन का ही संपर्क हमारी बॉडी से हट गया तो उसका मतलब है कि वो पेन, पेशेंट को पेन नहीं होगा। ये तो हमारे हो गए कि कितनी स्टेजेस होती हैं और उनको कैसे हम कह सकते हैं कि मॉडरेट है या सीवियर है या लोकल है।
अब आइए इसके बारे में मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि पेशेंट का कैसे हम मैनेज करेंगे कि बर्न पेशेंट है उसको कैसे, कोई बर्न पेशेंट हमारे सामने आया सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको सबसे पहले उसका एयरवे देखना चाहिए कि पेशेंट हमारा सांस ले रहा है, कॉन्शियस है या नहीं है। अगर हमारा पेशेंट कॉन्शियस नहीं है या सांस नहीं ले पा रहा, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोसीजर करके यहाँ पे ट्रैकिया पे एक इंसिजन लगा करके उसको हम ट्रकोस्टिमी कर देते हैं, जिसके थ्रू हम उस पर एक पाइप डाल करके उसका सक्शन कर देते हैं, जो भी लंग्स में उसको जो धुआं जो कंजेशन है जो कफिंग है वो हमारा आराम से निकल जाए और पेशेंट आराम से नॉर्मली धीरे धीरे सांस दे करके थोड़ा सर्वाइव कर सके। दूसरा क्या कहते हैं उसको हम पेन, पेशेंट को पेन बहुत होता है उस समय हम उसको क्या कहें सजेशन देंगे और उसकी ड्रेसिंग करेंगे, ड्रेसिंग करने में सजेशन देंगे ताकि उसका थोड़ा सा पेन भी कम हो और उसकी जो अपने आप बता सके कि हमें मुझे क्या दिक्कत हो रही है क्या दिक्कत नहीं हो रही है। उसके अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बर्न है तो बर्न पेशेंट को हम क्या करते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना तुरंत कपड़े उतारते हैं, कपड़े नहीं उतारने चाहिए, कपड़े उतार अगर नॉर्मली आप कपड़े उतार सकते हो तो उतार दीजिए, नहीं होता है तो उसको वैसे के वैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि कपड़े उतारने से क्या होता है कि पेशेंट की जो स्किन होती है वो भी कपड़े के साथ साथ आ जाती है। उसको जो बर्न पेशेंट है उसका हम हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करेंगे, हॉस्पिटल ला करके उसकी अच्छे नॉर्मल स्लाइन वाटर से उसके पूरे हाथ जहाँ पे भी बर्न एरिया होगा उसको वॉश करेंगे, उसके अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे, बैक्टी ग्रास लगाएंगे और सर्जी को क्या बोलते हैं जो स्टेलाइज पैड होंगे उनके थ्रू से उसको हम कवर कर देंगे ताकि उसका जो भी सोकेज हो रहा है तो सिर्फ पैड में ही आए और कहीं इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर पेशेंट काफ़ी बर्न है तो उसके इन्फेक्शन होने के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, पेशेंट सेप्टिसीमिया में भी जा सकता है। उसके बाद उसका देखते हैं कि पेशेंट का अगर ट्रेकिया अगर जला हुआ है, वो पेशेंट कुछ खा पी नहीं पा रहा है, तो हम पेशेंट उस कंडीशन में पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं राइस ट्यूब डाल देते हैं, राइस ट्यूब डालने से हम उसको पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रॉपर दे सकते हैं ताकि पेशेंट अगर नहीं ले सकता है तो वो न्यूट्रिशन उसको हम लोग ओरल नेजल ट्यूब के थ्रू उसको फीड दे सके। उसके बाद प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग करेंगे और उसके जो पेशेंट हमारा एडमिट है उसको काफ़ी बर्न है तो उसके बाद हम यूजिंग नेट आता है कि उसको नेट से कवर कर देंगे, उस पर एक बेडशीट डाल देते ताकि पेशेंट का स्किन कहीं भी क्लॉथ से टच ना करें ताकि आराम से पेशेंट सो सके और वो आराम कर सके। उसके बाद प्रॉपर हाइजीन रखेंगे, उसके बेड में सिलवटे नहीं होनी चाहिए और आईवी फ्लूड्स का बहुत ध्यान रखेंगे ताकि हम उसको पेशेंट का जो हमारा फ्लूड कंटिन्यूस में निकल रहा है जिसकी वजह से हमारे जो भी इलेक्ट्रोलाइट से इम्बेलेंस हो रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हम उसके पास RL, NS, DNS और एक हेमैक्सिल ड्रिप आती है उसको कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि उसमें होता है कि बर्न पेशेंट में प्रोटीन एल्ब्यूमिन सब लॉस होता है। ये तो हो गया हमारा मैनेजमेंट कि कैसे पेशेंट को मैनेज करेंगे। आते हैं आप इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि हम उसकी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। सबसे पहले तो उसका ABG कराएंगे ताकि मुझे ये पता चल सके कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, उसने कितना मतलब उसके अंदर धुआं लंग्स में कितनी इंजरी हुई है। दूसरा हम करेंगे CBC करेंगे, ESR करेंगे, CRP करेंगे और उसके बाद में बर्न यूरिया करवाएंगे, यूरिन उसका देखेंगे यूरिन उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूरिन एग्जामिनेशन भी कराएंगे। अगर प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका कि मतलब जितना भी हम संभव हो कि हम उसका एक्सरे का करा सके ताकि मुझे एक्सरे के थ्रू मालूम पड़ सके पेशेंट की इंजरी कितनी अंदर डीप हुई है या सुपरफेशियल तक ही हुई है। उसके बाद हम ECG कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, लंग CT स्कैन कराएंगे और उस कराने के बाद में जो भी उसके डिस्कशन निकलता है, जो भी उसके दिक्कतें निकल के आती उस कैटेगरी को देख करके हम पेशेंट को वार्ड में रख करके उसको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।